अस्सलामुअलैकुम फूड पांडा के व्यूअर्स को मैं वेलकम करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं सिंगापुरियन राइस, तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया है 1/2 kg बोनलेस क्यूब्स में चिकन ले लिया है, जिसमें हम 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, 1/2 teaspoon हम डालेंगे काली मिर्च, लाल कुटी मिर्च 1 teaspoon, सॉल्ट हसबे ज़रूरत, ज़ीरा पाउडर हम डालेंगे 1 teaspoon और थोड़ा सा 1/4 teaspoon हमने डाला है चिकन पाउडर। अब हम ऐड कर रहे हैं सिरका, इसमें 1 tablespoon, 2 tablespoon हम डाल रहे हैं चिली सॉस इसमें, 2 tablespoon ही हम डालेंगे क्रीम, मर्जी है आप डालना चाहें तो डालें, ना डालें तो कोई मसला नहीं है, स्किप कर दें इसको। फिर हम डालेंगे केचप इसमें, 1 tablespoon केचप हम डाल रहे हैं इसमें। अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके इसको हम मैरिनेट करने के लिए रख लेंगे। इसमें साथ ही मैंने डाली है 2 चम्मच के करीब दही। इन सबको मैरिनेट करके हम 2 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। साथ हम अब बना रहे हैं इसकी सब्ज़ी। हमने एक पैन में ऑयल डाल दिया है, इसके अंदर हमने डाली है 2 कप गोभी, 1/2 कप कैरेट डाला है चॉप्ड और 1/4 कप हमने डाला है कैप्सिकम चॉप्ड। इन सबको हम स्टर फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने डाला है जिंजर पाउडर, सॉल्ट हसबे ज़रूरत डाला है, 1/2 teaspoon ब्लैक पेपर पाउडर डाला है, बूस्टर शायर सॉस मैंने डाली है 1 teaspoon, 2 teaspoon मैंने डाले हैं चिली सॉस के। अब हम इसको मिक्स करेंगे और साथ ही हम ऐड करेंगे ग्रीन पार्ट जो होता है, ग्रीन अनियन का ग्रीन पार्ट चॉप करके हम डालेंगे, 1/2 कप के करीब मैंने वो ऐड किया है। अब इनको हम 1-2 मिनट के लिए बस स्टर फ्राई करेंगे कि सारे मसाले मिक्स हो जाएं, तो हम इसको अलग रख देंगे। अब हम इसमें हम बॉईल करने जा रहे हैं अपनी नूडल्स को, जैसे हम बॉईल करते हैं नॉर्मल इसी तरह बॉईल करेंगे। 1 कप मैंने नूडल्स का ले लिया है, अब ये बॉईल होने रख दी हैं। अब हमने एक पैन ले लिया है और इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे 2-3 tablespoon और साथ हमने जो चिकन हमारा मैरिनेट करने के लिए रखा था उसको हम अब हम इसमें कुक करेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे जब तक ये टेंडर हो जाए। तो हमने मिक्स कर लिया और अब हम इसको कवर करके कुक करने के लिए रख देंगे। अब हम यहाँ पे हमने एक अपना कढ़ाई ले ली है, उसमें हमने बॉईल कर हम अपने राइस बॉईल कर रहे हैं। जो मैंने लिए थे 2 कप राइस लिए थे, इनको मैंने सोक करके रख दिया था 1/2 आवर के लिए और अब हम इसको बॉईल कर रहे हैं। थोड़ा सा ऑयल मैं डालती हूँ, मेरी आदत है तो इसलिए मैंने ऑयल डाला था, आपकी मर्ज़ी आप ना डालें। और अब हमने देखें राइस हमारे बॉईल हो चुके हैं और अब हम इसमें हमारी जो सब्ज़ी हमने स्टर फ्राई करी थी वो मिक्स कर रहे हैं। इसको हम हाई फ्लेम पर मिक्स करेंगे राइस और सब्ज़ी को, ताकि अगर कुछ कसर रह गई है तो वो इसमें कुक हो जाए। साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ कॉर्न, बॉयल कॉर्न है ये, उबले हुए कॉर्न बहुत अच्छे लगते हैं, आपको पता है चाइनीज़ राइस में होते हैं ये, तो इसलिए आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालें। अब हम असेंबलिंग कर रहे हैं, हमने अपने राइस निकाली है एक प्लेट में और अब हम इसमें हमारी जो चिकन थी वो हमने कुक कर ली थी वो हम ऐड करेंगे ऊपर। अच्छा, ये नूडल्स मैंने बॉईल की थी, मैंने इसमें फूड कलर थोड़ा सा येलो कलर ऐड किया था, मैं उस टाइम पे बताना भूल गई थी तो मैंने कलर ऐड किया था, इसलिए ये येलो आपको दिख रही है। आपकी मर्ज़ी है, डालना चाहे तो डालें, ना डालना चाहे तो कोई मसला नहीं, सिंपल नॉर्मल बॉईल कर लें। तो ये मैं नूडल्स अब इस पर डाल रही हूँ। इसके बाद अब हम डालेंगे थोड़ा सा कॉर्न अगेन, हरी प्याज हम ऊपर स्प्रिंकल करेंगे और हमारे सिंगापुरियन राइस रेडी है। आप मुझे फीडबैक में बताइएगा कमेंट्स में कि आपको किस तरह के लगे सिंगापुरियन राइस, और आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब लाइक नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।